तो देख सकते हैं भाई कोहड़ा का साइज कहाँ कहाँ पे इतना बड़ा कोहड़ा होता है बताना कमेंट। अच्छा क्या भाव चल रहा है कोहड़ा? तो भाई ये जो माल है ये उड़ीसा साइड के जाने वाला है और देख सकते हैं एकदम फ्रेश बीन्स है, यहाँ का लोकल बीन्स होता है। जैसे आप देखते होंगे रांची वाला बीन्स तो एकदम सेम क्वालिटी है, थोड़ा बहुत अंतर तो होता है हर जगह के माल में तो लगता है। अरे वाह भाई वाह वाह वाह, ये देखो जलवा है भाई इन लोगों का। ये वाला तो पूरा ज्यादा ही ढीला हो गया देख सकते हैं। तो फाइनली फिल्टर निकल चुका है, दिखाओ भाई। ये देखो गंदगी भाई, जबरदस्त गंदगी, क्या ही गाड़ी माइलेज देगा यार। साफ कर दीजिए अंकल जी। स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। काशी एक्सप्रेस बनारस से चल के पहुंच चुका है बंगाल का जियागंज एरिया में। तो अभी अपना गाड़ी हो रहा है खाली, हमारा गाड़ी खाली नहीं हो रहा है, अभी जो दूसरा गाड़ी हुआ था वो खाली हो रहा है, इसके बाद फिर अपना गाड़ी खाली होगा। तो चलो पहले बाइक उतारते हैं, जियागंज पहुंच चुके हैं, मतलब काशी एक्सप्रेस चल के जियागंज पहुंच चुका है अपने निर्धारित समय से। चलिए पहले बाइक उतारते हैं, अभी तो बहुत सारा यहाँ पे सीन बाकी है, अभी नहाना भी है, बगल में गंगा जी भी है। चलो चलो उतारो भाई, आराम से आराम से। इतने लोग हैं कि उठा के रख दिया जाएगा यार, चलो चलो आराम से। बस आ गया भाई, बाइक नीचे उतर गया है, ये बनारस का बाइक है, अब जियागंज में दौड़ने के लिए तैयार है। पोषण अभी ब्रश कर रहा है, सुबह सुबह ब्रश कर रहा है भाई। अभी कहाँ चलेंगे, नहाने चलना है ना। गंगा जी कितना दूर है? बगल में। रामकृष्ण दादा का हम सामान लेके आए थे तो इनका दो गाड़ी माल था भाई, बाइक भी आया। रामकृष्ण अंकल का ये लड़का है, ठीक है। तो यही बाइक चलाने वाला है और रहेगा मेन यही यहाँ पे। ये लोग तो आप तो चले जाएंगे ना बनारस, फिर तो ये तो चले जाएंगे बनारस, लेकिन इसी के लिए मैंने इतना मेहनत करना पड़ा। तो चलो गाड़ी ये खाली हो चुका है, इसके बाद अपना खाली करवाएंगे, फटाफट चल के पहले नहाएंगे, खाना पीना खाके तो रेस्ट करेंगे, फिर हमको निकलना भी है, गाड़ी में बहुत सारा काम भी है। तो अभी खटिया उतारा जा रहा है, चलो भाई उतर ही गया। अच्छा लोडिंग होने में टाइम काफ़ी लगा था, लेकिन उतारने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर पैकिंग सैकिंग करना था तो टाइम ज़्यादा लग गया था। फाइनली एक गाड़ी खाली हो चुका है, अब हमारे गाड़ी का नंबर है, तो चलिए अपना गाड़ी भी अब फटाफट खाली करवाते हैं, क्योंकि जब तक माल गाड़ी में रहता है तो टेंशन भी रहता है यार। इतना मेहनत करके पहुँचे हैं तो हम ये चाहेंगे कि जो माल पहुँचा है वो सही सलामत उतरे यार, ठीक है, मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। अगला आदमी का भाड़ा लग रहा है तो यार ये ना लगे माल उतारने के बाद ये टूट गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें जब हो जाता है ना तो बहुत अपने आप को भी तकलीफ होता है कि अगला आदमी इतना पैसा लगा के माल मंगाया और उसका माल में नुकसान हो गया। फाइनली मेरे गाड़ी का भी सामान खाली होना चालू हो चुका है। अरे यार पर्स मिला, इसका कितना पैसा है देखो। अच्छा रात को सोया था, लग रहा गिर गया होगा। नहीं पागल। तुम्हारा पर्स गिर गया? हाँ मैं कुछ आना है ना लू बाकी। अबे उसमें बहुत काम है। तो भाई इन लोगों का गाड़ी तो खाली हो चुका है, तो इन लोगों को करते हैं विदाई। तो चलिए टाटा भाई, भाड़ा मिल गया आपको? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं नहीं। चलिए आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? अभी मालदा। मालदा कितना किलोमीटर पड़ेगा अभी यहाँ से मालदा? डेढ़ सौ दो सौ। डेढ़ सौ पड़ जाएगा। चलिए फिर आप कल बनारस जाएंगे लोडिंग करके क्या? चलो दादा जाता है भाई यहाँ से मर्चा लेके जाते हैं आप? हाँ। अचार वाला जो होता है ना। हाँ। मालदा से बनारस जाते हैं ना। हाँ। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगा दादा आपसे, ठीक है। चलिए एंड भाई वीडियो कहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर चैनल बनाया तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड कमेंट करके आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं। अगर वेस्ट बंगाल से कर रहे हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वेस्ट बंगाल के कौन कौन से जिला से कर रहे हैं जरूर बताइएगा। बक्सा को उतारा जा रहा है, ये सब भाई चढ़ाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उतारने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आराम से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा जी नहाने के लिए, कपड़ा वड़ा ले लिया, पोषण भी नहाएगा और हम भी नहाएंगे और हमारे साथ में जो भाई लोग आए वो भी नहाएंगे। नहाओगे ना भाई? एक नंबर बाबा, अभी चलेंगे हम लोग घाट पे, भी सब लोग मजे से एकदम नहा धो के एकदम, उसके बाद व्यवस्था बनाएंगे अपना। चलिए ठीक है। तो हम लोग पैदल पैदल गंगा जी जाने वाले थे नहाने के लिए, लेकिन पता चला कि इसी गली में होली के दिन में एक लोग डूब के मर गया, तो इसी वजह से वहाँ पुलिस लगा हुआ है, कोई किसी को नहाने नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले घाट पे, वहाँ पे घाट है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे सबको नहाते, तो हम लोग भी वहीं पे नहाएंगे। तो पहुँच चुके हम लोग गंगा जी, देख सकते हैं यहीं पे नहाएंगे। गाड़ी को इधर भाई साइड में लगा दिया है भाई, 24 घंटा जगे हुए हैं, इतना भयंकर नींद आ रहा है, और नहाने के बाद जो नींद आएगा ना एकदम सुकून भरा, मज़ा आने वाला है। तो चलिए पहले चलते हैं नहाते हैं, कपड़ा बड़ा ले लिया है, पोषण कपड़ा ले लिया भाई? पोषण भी कपड़ा ले रहा है, चलते हैं पहले नहाते हैं।
तो फाइनली भाई नहाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो चलिए नहाते हैं। पोषण पकड़ा है कैमरा और भाई लोग भी तैयार हो चुके हैं। नहाओगे ना? हाँ, अभी तो चलो कूदेंगे, आराम से चलेंगे यार, कूदेंगे नहीं। चलो ओ भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बस बस हम लोग भी कूदने वाले हैं। पोषण भैया थोड़ा गमछा अपना दे दीजिए। तो भाई गंगा जी में नहाने का जो मजा है ना, वो शायद ही और कहीं है। गंगा जी हो गया, पोखरा हो गया, मतलब लगता है कि हाँ नहा रहे हैं। साबुन, तो साबुन भी आ चुका है अपने पास में। तो चलिए पहले नहाते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। ये लगा के हम कूद गए हैं, मजा आ गया। तो फाइनली भाई नहा लिया। नहाने के बाद जो सुकून मिल रहा है ना, वो हम बयां नहीं कर सकते आप लोगों से। तो अभी कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद अभी निकलना भी है। गाड़ी में ग्रीसिंग करवाना है, थोड़ा सा चक्का में ब्रेक कम लग रहा है पीछे वाले से, तो उसको ब्रेक भी सेट करवाना है। देखते हैं क्या होता है, सेट हो जाएगा तो करवा लेंगे, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में करवाएंगे। तो अभी एक काम है कि उस ग्रीसिंग करवाना है और जितना भी पीछे का नट है उसको टाइट करवाना है, क्योंकि बहुत आवाज़ भी कर रहा है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं जहाँ पे गाड़ी को खाली किया था। जहाँ पे गाड़ी खाली किया वहीं पे थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, एक दो घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर जब निकलेंगे ना तो थोड़ा बहुत जो गाड़ी का अपना काम बाकी है उसको करवाएंगे। मतलब जैसे ग्रीसिंग, जो नट ढीला है उसको टाइट करवाएंगे, उसके बाद फिर निकलना हम लोग को आज ही रात में लोडिंग पॉइंट पे गाड़ी को लेकर लोडिंग करने के लिए। अब देखते हैं, अभी तो पार्टी से बात नहीं हुआ है कि कहाँ से मेरा गाड़ी लोडिंग होना है, तो जैसा भी होता है आप लोग को बता देंगे। तो हम लोग खाना वाना खाने के बाद भाई निकल चुके हैं। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अरिजीत सिंह के घर के पास। मतलब खाना खाने के बाद आधा घंटा सो लिया था, देख रहा हूँ कैसा हो गया है। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो जस्ट बगल में अरिजीत सिंह का घर भी है यार। दोपहर का टाइम है, पूरा खाली खाली लग रहा है कॉलोनी। फाइनली पहुंच चुके हैं अरिजीत दादा के घर के सामने। तो जो अरिजीत सिंह सिंगर है उन्हीं का घर है, देख सकते हैं। ये दादा अरिजीत दादा घर है ना ये। तो गार्ड साहब है, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो ये है भाई अरिजीत दादा का घर, जो अरिजीत सिंह सिंगर है उन्हीं का घर ये है। तो उनका जो मेन घर है वो जियागंज में है। तो इन्हीं से ये, मतलब यहीं से वो बंदा निकला हुआ है। तो पहले तो गार्ड नहीं था, लेकिन अभी गार्ड भी है। तो अंदर जो स्कूटी से चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनके पास एक स्कूटी है, तो अंदर वो स्कूटी भी रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या करना है कि गार्ड बोला नहीं बोला, क्योंकि मना होगा बताना। चलो कोई नहीं, हम निकल चुके हैं आगे के लिए। तो पहुंच चुके भाई काठगुड़ा बागानबाड़ी। गाड़ी को उधर साइड में लगा दिया है, पोषण गया है बगल में बाथरूम है शौचालय फ्रेश होने के लिए। तो रुके नारियल पानी पीने के लिए। था कितने रुपए का नारियल पानी है? नारियल पानी 60 रुपए। 60 रुपए का है? अच्छा, बंगाल का माल है, बंगाल भी 60 रुपए का। आपके यहाँ से पता है, हमारे वहाँ जाके 60 रुपए का बिक रहा है। चलिए एक पीस काटिए। तो बंगाल में आए, एक पीस नारियल पानी पीना बनता है भाई। चलो भाई पानी तो गिर ही गया, कोई बात नहीं, दे दो भाई, ऐसे ही पी लेंगे हम, पाइप नहीं लगेगा। एक बात बताइए, यहाँ पे मतलब बाहर से लोग घूमने आते हैं? हाँ, बाहर से। कलकत्ता से आते हैं? कलकत्ता, मुंबई। मुंबई से भी आते हैं? बहुत। मतलब बहुत फेमस जगह ये है? बहुत फेमस जगह है। क्या नाम फिर से थोड़ा बताइए, एड्रेस बताइए। काठगुला बागानबाड़ी, मुर्शिदाबाद स्टेशन से आना पड़ेगा। अच्छा, मुर्शिदाबाद स्टेशन उतर के फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलिए। इसके अंदर टिकट भी लगता है? इसके अंदर 30 रुपया पहले टिकट है, फिर बाद में मतलब भीतर जाके आबार 20 रुपया टिकट। अच्छा, तो आपको गेट भी दिखा देते हैं भाई। गेट ये है, ये देखो, ये इसका मेन गेट एंट्री पॉइंट। उसने अभी क्या था, पॉटी करने के लिए। पॉटी करके दादी को पैसा दे दिया। पॉटी करने कितना पैसा लगता है? 10 रुपये। पॉटी करने का 10 रुपया, चलो ठीक है भाई। तो भाई पॉटी करने का 10 रुपये लगता है, तो पोषण ने पैसा दे दिया दादी जी को। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधा वहाँ के लिए, बहरमपुर के लिए। बहरमपुर में जाएंगे भाई। यहाँ पे ना आवाज़ कर रहा है भाई, थोड़ा गाड़ी हिलाना, दिखाते हैं कैसा आवाज़ कर रहा है गाड़ी में। ये देखो, इसमें पूरा ग्रीस नहीं है और लग रहा है नट भी ढीला हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आवाज कर रहा है, पूरा गाड़ी में ही आवाज कर रहा है, ठीक है। जब भी हल्का सा इधर उधर जा रहा है तो आवाज कर रहा है। तो इसमें पूरा अच्छे से ग्रीसिंग करवाएंगे और टाइट भी करवाना है। देख लो, ये सब हमें लग रहा है थोड़ा ढीला हो गया है, तो ढीला होने की वजह से भी हो सकता है कि आवाज कर रहा हो। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से ज्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि वैसे ही हम लोगों को लेट हो गया है आज। गाड़ी का शीशा साफ करना था, शीशा साफ कर लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं खच्चर गाड़ी बहुत चलता है, ठीक है। ये देखिए, एक लाइन से पूरा यहाँ पे
खच्चर वाला गाड़ी आपको मिल जाएगा। सब यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए तो खच्चर वाली गाड़ी में घूमते हैं। आप लोग इसको सोचते होंगे घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी नहीं है भाई, ये खच्चर गाड़ी है। भाई बाइक का सही इस्तेमाल तो यहाँ पे हो रहा है, भाई भाई बाइक का सही इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। ये देखो दिखाओ हुसैन, ये बाइक का सही इस्तेमाल देख सकते हैं आप सब। पहुंच चुके हैं भाई लालबाग हजार दुआरी। तो हजार दुआरी इसलिए नाम है क्योंकि हजार ठो गेट है, मतलब इसके अंदर आदमी जाएगा तो भूल भुलैया का जैसा खो भी सकता है, लेकिन खोने का ऐसा कोई डर नहीं है क्योंकि गाइड भी आपके साथ रहता है यहाँ पे। तो ये इसका मेन गेट, पहुंचने वाले मेन गेट के पास में। भाई एक तो सिंगल रोड है, ये लोग गाड़ी भी खड़ा कर देते हैं ऐसा जगह पे ना कि आदमी को तकलीफ हो, मतलब खुद तो झेल ही रहा है तकलीफ, दूसरे को भी तकलीफ में झेलो। ये देखो भाई ये है मेन गेट इसका। भाई यहाँ पे आपको जगह जगह पे ना BSF बटालियन दिख जाएगा। तो ये सब भाई बांग्लादेश में ड्यूटी करते हैं, मतलब बांग्लादेश में नहीं बांग्लादेश बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ है BSF ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे भी है इधर भी है। तो यहाँ पे लिखा है स्लो थोड़ा गाड़ी चलाना है भाई, पूरा ये BSF का एरिया है ये देखिए, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास में ही हम लोग चल रहे हैं समझ लीजिए। 86 बटालियन ये है, सिर्फ और सिर्फ एक मोड़ हम गलत घूम गए तो उसके वजह से भाई खराब रोड भी मिल गया हमें और ज्यादा रास्ता भी पड़ गया और जाम में भी हो सकता है फंसना पड़े, क्योंकि हम लोग को उधर से निकलना था। हम लोगों ने रास्ता पूछा, भैया हमको जाना इस रोड से, बोला कि सीधे चले जाओ। अब सीधे चले आए तो भाई हम गलत रास्ता में आ गए, हमको एक मोड़ था उसी से इधर मुड़ गए होते तो हम पहुंच गए होते सीधा गंगा किनारे से लेके अब तक हम बहरमपुर ब्रिज के ऊपर चढ़ गए होते, लेकिन उल्टा आ गए हम आ गए सागर पाड़ा वाले रोड पे। तो कोई नहीं, इधर पूरा लीची का बगान है भाई, खाली लीची का ही पेड़ दिख रहा है और इस बार लीची इतना जबरदस्त निकलेगा ना पूछो मत, मतलब लीची भर भर के होगा इस बार। ये बहरमपुर से आ रहा है, ये सीधा चलेगा सागरपाड़ा, सागरपाड़ा पड़ता है एकदम बांग्लादेश बॉर्डर। सागरपाड़ा पहुंच गए तो समझ लो कि बांग्लादेश एकदम पहुंच गए, एंड में पहुंच गए आप, और समझ लो कि हम लोग भी अभी बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास में ही घूम रहे हैं। अब जाके हम लोग मेन बहरमपुर में एंटर किए हैं। वैसे तो भाई मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, घूम रहे हैं हम लोग इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा भटक गए थे। कोई नहीं, यहाँ पे भाई हर गाड़ी का काम होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ग्रीसिंग इधर ही हम करवाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक मैटर और फंसा हुआ है, फ़ोन कहाँ है भाई, फ़ोन कहाँ है, आगे है। तो एक भोले बाबा है, उन्हीं का फ़ोन बनारस लेके जाना है, उनका घर यहीं पे है। तो पोसेन भोले बाबा को जानता है, हम भी जानते हैं। तो भोले बाबा ने बताया है कि बाबा आप जा रहे हैं तो मेरे भाई से मेरा फ़ोन लेते आइएगा। तो उन्हीं के भैया आगे खड़े हैं, तो अभी उनका फ़ोन लेना है हमें। पहुंच चुके हैं बहरमपुर बस स्टैंड। तो यहाँ से आपको हर एक जगह का बस मिल जाएगा, चाहे दिल्ली क्यों ना जाना हो आपको, दिल्ली तक का बस यहाँ से मिलता है। ये मेन बहरमपुर बस स्टैंड, मेन जो बहरमपुर सिटी है वो यही है। और यहाँ पे देखो राजस्थान से आया है भाई, पिकअप से कुछ सामान लेके बेच रहा है, यहाँ पे तावा बेच रहा है, तावा वो देखो। तो पोषण अभी बात कर रहा है कहाँ पे है, मतलब फोन लेके कहाँ पे खड़े हैं, बस आगे खड़े हैं, आगे खड़े हैं। तो गिरजा मोड़ पार कर लो। तो ये है भाई गिरजा मोड़। नमस्कार काको, वाला छो? तो ये भोले बाबा का भैया, भोले बाबा का भाई है। तो इनका फोन है लेना था तो चलिए फोन मिल गया, अब उनको भी दिखाएंगे, दे देंगे उनका फोन, ठीक है। चलिए और सब बढ़िया है, तबीयत सही है आपका? चलिए ठीक है। पहुंच चुके हैं बहरमपुर, ये बहरमपुर गंगा ब्रिज। बहरमपुर ब्रिज क्रॉस करके गाड़ी को साइड में लगा दिया है, मौसम काफी अच्छा हो चुका है, ऐसा लग रहा है बारिश होगा। ये वीडियो वाले ना फॉलो करी तो अच्छा, फॉलो भी करते हो?
तो भाई हमको फॉलो भी करते हैं। चलो भाई धन्यवाद। तो आपके यहाँ पे आ चुके हैं, आपको काम करना है आज, ठीक है। चलिए थोड़ा झूला का नट टाइट कर दीजिए, ग्रीसिंग करवा दीजिए। तो यहाँ पे होगा झूला का नट टाइट, क्योंकि ढीला भी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो पक्का ढीला होगा। यहाँ पे हो रहा है ग्रीसिंग। कटा का नो ग्रीसिंग है, कटा का दाव 40 टका ओटा देवो, ठीक है। झूला टाइट करवा रहे पीछे का, देखो भाई ढीला है कि नहीं, थोड़ा सा आवाज भी कर रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सही है, सही है। ये वाला तो पूरा ज्यादा ही ढीला हो गया, देख सकते हैं, दोनों तरफ से पकड़ करना पड़ेगा लगता है। इधर से फिर लात मारिए, लात मार के टाइट करिए। बहुत ज्यादा ही ढीला हो गया था भाई, लगता है इसके वजह से भी आवाज आ रहा होगा। और ये सब चीज टाइम टू टाइम दिखवा लेना चाहिए, नहीं तो पता है क्या होता है, दिक्कत आता है कि बूस्ट खराब हो जाता है, बूस्ट कट जाता है। हो गया अच्छे से दादा, आगे एक बार देख लीजिए आगे का, ठीक है। काम यहाँ खत्म होने के बाद में सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ही है, तो यहाँ पे तेल भी ले लेंगे। पहुंच चुके पेट्रोल पंप यहाँ, और अपना डीजल टैंक फुल, डेंसिटी भी काफी अच्छा है, डेंसिटी जहाँ अच्छा रहता है वहीं पे तेल लिया करो भाई, बार बार बताते हैं, माइलेज भी अच्छा देगा और इंजन में भी जल्दी फॉल्ट नहीं आएगा। तो चलिए टैंकी फुल करवाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। और डेंसिटी का बात करें तो यहाँ पे भाई 823 डेंसिटी है इसका। चलो यहाँ पे मिल गया हमारे सब्सक्राइबर भाई, कैसे हो भाई, पहचान गए काशी एक्सप्रेस देख के, और कैसे हो, बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? आजिमगंज। चलो भाई, भाई का गाड़ी वहाँ पीछे है। भाई डीएन सिन्हा पेट्रोल पंप पे तेल भरवा रहे हैं, कैसे हो भाई, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं यार, बहरमपुर से भी काफी वीडियो देखा जाता है लग रहा है, बढ़िया भाई। चलो मोबाइल कब खरीदो बीबी के लिए? मोबाइल देखो सर, मोबाइल कब खरीदो बीबी के लिए बता दो भाई, हमारे अटेंडेंट के साथ थोड़ा बात कर लो। तो यहाँ पे टंकी भी अपना फुल हो चुका है, कितना लीटर तेल आया दादा? तो बनारस से फुल करवाए थे, 48 लीटर तेल में बहरमपुर तक आ चुका है। अच्छा ये 52, हाँ ये तो रेट है ना, तो ऊपर का प्राइस है, तो इतना रुपए का मतलब तेल आया है और इतना लीटर तेल आया, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल गाड़ी चला है 700 किलोमीटर। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, लेट हो रहा है क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि रानीगंज कम से कम 10-11 बजे तक पहुँच जाए, हमको लगता नहीं कि पहुँच पाएंगे क्योंकि रोड इधर का इतना खराब है और 3-4 तो फ्लाईओवर बन रहा है, अब फ्लाईओवर की वजह से इतना ज्यादा जाम लग रहा है ना, कहते हैं ना कुछ अच्छा के पहले कुछ बुरा जरूर होता है, तो अभी अच्छा चीज होने वाला है हम लोग के लाइफ में, क्योंकि भाई हम लोग गाड़ी वाले, हम लोग को लाइफ में तभी अच्छा होता है जब हम लोग को रोड अच्छा मिलता है, तो हम लोग सोचते हैं चलो यार अपना लाइफ अच्छा है क्योंकि अच्छा रोड मिल गया हम लोगों को, कोई टेंशन नहीं है, जाम हुआ जाओ तो यही हम लोग का अच्छा लाइफ है। बाकी रोड अभी खराब है क्योंकि रोड बन रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो भाई रोड बन रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत अभी है, आने वाले दिनों में सही हो जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग कुली कांदी के रोड के लिए। अरे वाह भाई वाह वाह वाह, ये देखो जलवा है भाई इन लोगों का, भाई एकदम खतरनाक तरीके से लोडिंग है। तो कांदी पहुंच चुके हैं, कांदी में पहुंचे तो भाई भुजा खाने के लिए रुके थे, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कांदी, देख सकते हैं यहाँ पे कांदी लिखा हुआ है। और मिल गए हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई, कैसे हो भाई, बढ़िया वालो। चलिए मुलाकात हो गया, रास्ते जा रहे थे, गाड़ी इधर लगा हुआ है और पोसर अभी गाड़ी चलाएगा, चलाओगे ना? हाँ चलो ठीक है भाई। बच चुका है शाम का 6, हम लोग कुली पार कर चुके हैं, अभी हम लोग को रानीगंज जाने में कम से कम यहाँ से 4 घंटा लगेगा क्योंकि रोड इतना खराब है, 4 घंटा लग जाएगा भाई। अब जाके हम लोग पहुंच गए सिवड़ी, काफी मेहनत के बाद पहुंचे भाई सिवड़ी, मेन मार्केट मेन सिटी के अंदर से हम लोग जा रहे अपना बोलेरो पिकअप लेके, काशी एक्सप्रेस को लेके, देख सकते हैं एकदम पतला गली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकल जाता है, जाओ 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 सीधा जाओ सीधा जाओ 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 जाओ। इधर से कई बार हम आ चुके हैं, मेन बात है मेन रोड से आने में कोई दिक्कत नहीं है, रोड थोड़ा गड़बड़ है, और थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, इसी वजह से उधर से आने में दिल नहीं करता, उधर जाम भी लगा रहता है, तो इधर से थोड़ा शॉर्टकट भी अपना पड़ता है।
चलते रहो भाई, चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, रोकोगे तो पीछे जाम लग जाएगा। पूरा मार्केट एकदम मेन सिटी के अंदर घुसा दिए। तो भाई दुबराज कुछ पहुंच चुके हैं और हमारे मिल गए एक सब्सक्राइबर भाई, कैसे हैं भाई? ठीक है, बढ़िया। भाई गाड़ी देख के पहचान गए, तो पीछे पीछे आ रहे थे, हमने बोला कि चलो रोकते हैं और भाई के साथ में चाय पियेंगे। यहाँ से रानीगंज कितना दूर होगा? अभी 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, लेकिन जाने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा। रास्ता बहुत खराब है क्या? ना उधर ठीक मिल जाएगा, इधर ठीक है अभी। तो चलिए, इधर ही खराब था ना, इधर पूरा जाम रहता है। तो चलिए देखते हैं कितना देर में पहुंचते हैं। अभी तो हम लोगों को रानीगंज से भी आगे जाना है, देखते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं या फिर रानीगंज में ही रुकना पड़ेगा। देखते हैं जैसा भी होता है, आप लोगों को पता चलता रहेगा। अभी रुके चाय पीने के लिए, तो भाई साहब बना रहे हैं लीकर चाय। यहाँ पे बना अपना लीकर चाय बन रहा है भाई। यार एकदम हालत खराब हो गया है हाईवे आने में, ठीक है, क्योंकि इतना खराब रोड था। अभी रात का 11 बज चुके हैं गाइस, और हम लोग 11 बजे रात को बिरयानी खाने वाले हैं रानीगंज में। तो जस्ट अभी पहुंचे हैं नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता रोड, सर्विस लाइन से हम जा रहे हैं। और ये है पंजाबी मोड़। तो पहुंच चुके हैं बिरयानी की दुकान पे, यहाँ पे बिरयानी खाएंगे क्योंकि रात को भाई खाना कुछ मिलेगा नहीं आगे। तो यहाँ पर लग रहा अपना बिरयानी, कोलकाता में आप लोग कहीं भी बिरयानी खाओ ना, इतना बड़ा आलू जरूर आपको मिलेगा, ठीक है, आलू और ये चिकन का पीस। कैसा भाई? तो चलिए फटाफट खा लेते हैं, फिर निकलना भी हम लोगों को है यहाँ से। तो फाइनली बिरयानी खा के निकल चुके हैं, अंदर का लाइट को बंद कर देते हैं। पोषण को दिक्कत हो रहा है गाड़ी चलाने में, तो पोषण अभी चला रहा है गाड़ी। तो दिक्कत ये है भाई, दिन में गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बंगाल हो चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, दिक्कत ये हो रहा है कि बाहर की गाड़ी को पकड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कुछ कुछ पुलिस वाले चंद पैसों के लिए, कुछ कुछ पुलिस वाले, भाई सब पुलिस वाले को नहीं बोलते हम, क्योंकि पता ही है बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ पुलिस वाले उसमें से क्या करते हैं कि बाहरी गाड़ी को देख के ये बोलते हैं कि आपका गाड़ी इलेक्शन के लिए पकड़ा जाएगा, RC जमा करो, हैन तेन बात करते हैं। तो इसी वजह से ये सब परेशानी हम लोग को ना चलना पड़े, इसीलिए हम लोग बिरयानी खा के निकल पड़े जहाँ से हम लोग को गाड़ी को लोडिंग करना है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बांकुड़ा के आसपास में। अभी अपना जो सफ़र बाकी है वो बाकी है 70 किलोमीटर का। पीछे जाम था, नहीं तो अब तक हम लोग बांकुड़ा क्रॉस कर गए होते। तो गाड़ी चल रहा है गाइस, रात का टाइम हो चुका है 1, ठीक है, ये देखिए 1:03 हो चुका है टाइम रात का, और कल से गाड़ी चल रहा है, मतलब कल बनारस से निकले, गाड़ी खाली किया, सिर्फ 3 घंटा सोए हैं, 24 घंटा से चले जा रहा है गाड़ी, चले जा रहा है, क्या ही बताएं। मतलब लाइफ को भाई एकदम हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना लाइफ में, मतलब अभी अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कोई पूछेगा नहीं। तो इसी वजह से जब तक है हिम्मत है तब तक तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं, रात को ही निकलेंगे, मंडी जाके सोएंगे और सुबह देखते हैं क्या होता हो पाता है, लोडिंग कल होगा या फिर नहीं होगा, वो तो मुझे भी नहीं पता, पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। तो फाइनली मंडी पहुंच चुके हैं, अभी भाई 3 बज चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुका है सुबह, जस्ट अभी सो के उठे हैं और यहाँ पे हमारे कुछ भाई मिल गए हैं। कैसे हैं भाई? अच्छा है। तो भाई लोग आए अपना 6 चक्का लेके, आइसर ला देंगे शायद बनारस का, कहाँ का माल भरेंगे बनारस का। और इधर है काल भाई, बढ़िया हो, कहाँ का लदबा? बनारस, चलो ठीक हो। तो भाई देखते हैं अपना गाड़ी आज लोडिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा भी होगा आप लोगों को कुछ देर में हम बता देंगे, क्योंकि जहां तक उम्मीद है कि आज हम नहीं भी लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पोषण अभी जो माल अपना है बाहर फेंक दिया था उसको भी सही से रख रहा है, क्योंकि पूरा इसमें बाल्टी अगर अच्छे से आ नहीं पा रहा था तो दिक्कत हो रहा था, तो पोषण अभी अच्छे से इसको सजा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग खाना पीना भी शायद बनाने वाले हैं गाड़ी में, देखते हैं क्या होता है। तो भाई गाड़ी का सफाई अपना हो चुका है कंप्लीट, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता पानी करने के लिए। तो पोषण पूरा गाड़ी का सफाई अकेले किया है, देख सकते हैं मस्त भाई चमका डाला पूरा गाड़ी को, लेकिन डाला हम लोग साफ नहीं किया, डाला में देखो ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पूरा अच्छे से साफ करना पड़ता है, और थोड़ा बहुत पानी से अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, तो प्रेशर से जाके बनारस में धुलवाएंगे। तो आज था भाई अपने गाड़ी का लोडिंग, लेकिन पार्टी आ चुका है मेरा, पार्टी को मैंने मना कर दिया, हम बोले भाई कल माल बनाइएगा, आज थोड़ा तबीयत सही नहीं, तो आज हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। दादा रुकिए,
तो हम लोग थोड़ा गन्ना का जूस पियेंगे पहले, उसके बाद फिर जाएंगे वहाँ पे कुछ नाश्ता पानी, देखते हैं क्या मिलता है नाश्ता करने के बाद। उसके बाद एक नया गाड़ी के बारे में हम सोच रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को अभी लेना चाहिए कि नहीं। एक नया पिकअप और लेने के लिए सोच रहे हैं यार, क्योंकि एक पिकअप तो अपने पास आई है, एक पिकअप और लेना है। तो बाकी आप लोग कमेंट, कितना टन वाली आ गया है क्या? तीन टन वाली, तीन टन वाली हम लोग को दे दिया जाए। तीन टन वाले का सही रहेगा, कोई अटैक नहीं, लाइसेंस है, कागज है, पेपर है। आईटीओ से परेशान नहीं कर, मतलब आईटीओ वाला परेशान नहीं कर पाएंगे, परेशान नहीं अगर तीन टन हो जाएगा ना, अंदर लोड चलेंगे ना भैया। सही है भैया। तो भाई देखते हैं, अभी बहुत जल्द एक प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर टाटा योद्धा निकलवाएंगे या तो बोलेरो पिकअप निकलवाएंगे। बोलेरो पिकअप देखते हैं, अगर 2.5 टन वाली आ जाएगा तो वही अपने लिए सही रहेगा, बाकी 2 टन वाली तो आ ही चुका है। ये देखिए हमारा जो पासिंग है, ये भाई 13 क्विंटल का पासिंग है। हाँ भाई, 13 क्विंटल कोई माल पार्टी देगा तो उसको क्या ही बचेगा भाड़ा, कुछ बचने वाला नहीं है। और इसी वजह से इस समय ये सब गाड़ी फेमस हो रहा है क्या भैया? 11 टन वाली बहुत फेमस हो गया इस समय। आप लोग लेके चल रहे कच्चा माल में? अच्छा, कच्चा माल में क्या रुपया छोड़ देता है, मतलब 30-40 छोड़ देता है चक्कर पीछे? हाँ, चक्कर पीछे 30-40 जैसा भार, जैसा अच्छा। दूरी जाना पड़ता है वो छोड़ देता है, छोड़ देता है। चलिए बहुत बढ़िया। कितना किस्त इसका आता होगा? किस्त इसका 52,000 रुपया। तो 52,000 रुपया किस्त आता है, समझ रहे हो, मतलब मेहनत करना पड़ता होगा तभी भाई साहब कमाते भी होंगे और किस्त भी डालते होंगे, क्योंकि अगर बड़ी गाड़ी में मेहनत ज्यादा है, अगर मेहनत आप नहीं करोगे तो फिर किस्त घर से डालना पड़ेगा। पता चला गाड़ी खींचा गया क्या भैया? किस्त नहीं भरेगा तो गाड़ी खींचा गया। चलिए अभी हम लोग चलेंगे नाश्ता कर रहे हैं, पहले जूस पीते हैं। भाई गन्ना को पेरा जा रहा है यहाँ पे, और ये हाथ वाला मशीन है। अभी तो बहुत सारा मशीन आ गया है, लेकिन हाथ वाला मशीन सही पड़ता है, इसमें ना डीजल का प्रॉब्लम ना ही गंदगी का प्रॉब्लम, बस मेहनत लगता है। तो भाई नाश्ता करने के लिए आ चुके हैं मूढ़ी घुगनी, और देखो यहाँ से गाड़ी लोडिंग होकर भी निकल रहा है, ये सब जाएगा बनारस के लिए। तो इसमें करेला लोड हुआ है वो जो गाड़ी जा रहा है, ठीक है कल मिलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर अपना नाश्ता भी लग चुका है। तो क्या है पसंद नाश्ता में? घुगनी मूढ़ी आलू का चप। अच्छा, घुगनी मूढ़ी और आलू का चप, तो देख सकते हैं ये है भाई बंगाल का नाश्ता। तो बंगाल में ज़्यादातर इंसान सुबह सुबह यही खाता है, ठीक है, नाश्ता यहाँ का यही चलता है। तो चलिए खाते हैं फटाफट करके, क्योंकि अभी दोपहर का भी देखना है कहाँ खाना खाना, और गाड़ी को थोड़ा छांव में लगाना है क्योंकि धूप अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाश्ता करके जा रहे थे गाड़ी की तरफ, देखा है भाई करेला का चल रहा है पैकिंग। तो देख सकते हैं एकदम फ्रेश गढ़वेता का करेला अभी जस्ट टूट के आ रहा है, मतलब दोपहर में टूटता है, जैसे मतलब भोर में टूटता है तो यहाँ पे आके सुबह मंडी में बिकता है। तो एकदम एक नंबर करेला भैया। क्या भैया? आपको देख मोबाइल में देख देख के मैं परेशान, कब मिलेंगे इसके सामने? आज मिल गया भाई। चलो भाई धन्यवाद, धन्यवाद एकदम। कैसे हो भैया? आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हुआ हूं, बहुत खुश हुआ हूं। चलिए भाई, फेमस आदमी है गाड़ी चलाने में, गाड़ी में पूरा यूपी दिल्ली बिहार बंगाल में इसको सभी पहचानते हैं। हम तो मेरा बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं कि प्लास्टिक में पैक करवाते हैं, और बहुत सारे क्या करते हैं कि पैक करवाता है कैरेट में, और कुछ व्यापारी बोलता है कि भाई हमको चाहिए पेटी में। तो पेटी का रेट देखो अलग है, कैरेट का रेट अलग है, और बोरा में भी पैक होता है। बोरा में जो पैक होता है वो ज़्यादातर झाल ग्राम का माल पैक होता है, यहाँ का ज़्यादातर माल जाता है प्लास्टिक में, या तो फिर कैरेट में, या तो फिर जाएगा उसमें कार्टून में। तो ये माल देखो एकदम एक नंबर माल है। आपके यहाँ पे क्या भाव बिक रहा है करेला, कमेंट करके जरूर बताना। छोटा बड़ा सब मिक्स है, और बाकी बगल में देख सकते हैं ये कुंदरू, कुंदरू तो अभी चालू हुआ है, कुंदरू अभी चलेगा बहुत दिन, कुंदरू भी एक नंबर का है यहाँ पे। कुंदरू का क्या रेट का चल रहा है इस समय आपके यहाँ पे? कुंदरू का भाव भैया अभी 15-16 ऐसा दाम। अच्छा अच्छा, तो ये वाला फ्रेश है कि इससे ही फ्रेश आता है? इससे भी और फ्रेश आता है। अच्छा, इससे फ्रेश आता है, मतलब ये पुराना गाछ का माल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी नया गाछ का, इससे भी बढ़िया कुंदरू आता है। कुंदरू आता है, चलिए पेंसिल कुंदरू। हाँ। चलो भाई अभी निकलते हैं गाड़ी के पास, सेल्फी लेने दो। जरूर जरूर। यहाँ पे आ चुका है उड़ीसा का तरबूज, तो हम तरबूज भी लेके खाने वाले हैं। तो ये उड़ीसा का तरबूज एकदम मस्त है। तो ये थोड़ा सा गोल है, अभी बॉम्बई वाला जो है, बॉम्बे वाला थोड़ा सा आपको देखेंगे लंबा में हल्का सा रहता होगा, अंडा वाला साइज, ठीक है, और वो एकदम लाल होता है। अब पता नहीं उड़ीसा वाला लाल है कि नहीं, लेकिन फिर भी एक ले लेंगे दोपहर में खाने के लिए। और यहाँ पे कोहड़ा भी देखो भाई, कितना बड़ा बड़ा साइज का कोहड़ा है। अच्छा, ये कोहड़ा दादा कहाँ का होता है? ये बांकुड़ा का है। बांकुड़ा का है, तो ये बांकुड़ा का कोहड़ा है भाई, इतना बड़ा बड़ा। एक कितना, 5 kg का होगा? ये 25 kg का है। वाह भाई, तो देख सकते हैं भाई कोहड़ा का साइज कहाँ कहाँ पे इतना बड़ा कोहड़ा होता है, बताना कमेंट। अच्छा, क्या भाव चल रहा है कोहड़ा? ये 10 रुपया किलो है। 10 रुपया किलो, मतलब ये जो कोहड़ा है ये 200 या फिर 250 रुपये का होगा भाई, उठा नहीं पा रहे, बहुत भारी है, रख देते हैं यार यहाँ पे।
तो भैया अभी बता रहे थे कि तरबूज यहाँ का लाल है, मतलब जो उड़ीसा वाला तरबूज आ रहा है, तो इसको अभी कटिंग करके देख भी लेते हैं कि अच्छे लाल है या फिर नहीं है, क्योंकि ये छोटा साइज का तरबूज थोड़ा सा लाल कभी कभी नहीं निकलता है। तो कटिंग करके देखते हैं और यहाँ से लेके चलेंगे, गाड़ी में बैठ के खाएंगे। वीडियो में भैया। हाँ ठीक है भैया, लाल है, लाल है। ये देखो भाई तरबूज, देख लो। अब इसको खा के भी ट्राई करिए, इतने काट दिए तो। तो तरबूज बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी सीजन चालू हुआ है। बम्बई का तरबूज बहुत पहले चालू हो जाता है, तो भैया ने मुझे 10 रुपये में दे दिया ये वाला तरबूज, और इसको हमने काटा। हम बोले चलो नुकसान ना हो, 10 रुपये भैया को दे देते हैं और चलेंगे गाड़ी में बैठ के खाएंगे। चलो मिल गए हमारे सब्सक्राइबर भाई, लद्दाख वाला पूरा टूर देखे, फिर से लद्दाख जाना चाहिए कि नहीं? एकदम एकदम। और वो जो ओवन में मैगी बना के खाने वाला सीन मैं यही बना रहा था, मैगी पोषण। हाँ देखे, बर्फ पूरा जम गया था, देख रहे थे वीडियो एकदम एकदम, जरूर देख रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया देख के वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए भाई को और सपोर्ट कीजिए इसको, ठीक है? चलिए बस पब्लिक का और आप लोगों का प्यार है। तो गाड़ी को थोड़ा सा हम लोग अभी साइड में कहीं पे लगाएंगे, और ये है भाई गढ़बेता मंडी। अभी देख रहे हैं थोड़ा छांव कहाँ पे है, देखो यहाँ पे लगाएंगे तो सो नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत भाई लोग आते हैं मिलने के लिए, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा साइड में कहीं पे रहें, ताकि हम लोग भी डिस्टर्ब ना हो सोने में, और जो भाई लोग आ रहे हैं उनको भी पता ना चले कि हमारा गाड़ी यहाँ पे है। कभी कभी ऐसा सोचना पड़ता है गाइस, क्योंकि जब रात भर जगे रहते हैं तब ऐसा सोचते हैं, नहीं तो हम खुद चाहते हैं कि भाई लोग मिले हमसे, और हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों से मुलाकात करना। तो चलिए पहले गाड़ी को कहीं साइड में लगाते हैं, एकदम छांव में, जगह खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा अभी हम लोगों को छांव में, और थोड़ा छुपा के भी भाई काफी देर से हम सो रहे थे, पोषण अभी तक उठा नहीं, पोषण अभी भी सो ही रहा है, देख सकते हैं आप पे। पोषण खाना नहीं खाओगे भाई? नहीं, तो पोषण बोला खाना नहीं खाएगा, तो हम जा रहे हैं भाई खाना खाने के लिए, होटल थोड़ा सा अंदर साइड में है, तो हम ये सोच रहे हैं पहले खाना खा के आते हैं, उसके बाद आके नहाएंगे फिर आके सोएंगे। तो गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ था, तो और थोड़ा सा छांव में लगा दिया, देख सकते हैं एकदम पेड़ के नीचे गाड़ी लगा हुआ है। सो चलिए चलते हैं खाना खा के आते हैं, हमें तो भूख लग गया, पोषण को भी भूख लगा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो बंदा सोने के चक्कर में अभी नहीं खा रहा है, तो चलो रात को डायरेक्ट खाएगा, रात को फिर से हम खाएंगे। तो चलिए चलते हैं खाना खा के आते हैं पहले। तो पहुँच चुके होटल में खाना खाने के लिए, यहाँ पे लग गया चावल और आलू, सोयाबीन का सब्जी है और गोभी, और यहाँ पे मैं आपको मिल गया पापड़ और यहाँ पे फिश। तो चलिए, पोषण तो आया नहीं, अकेले अकेले खाना पड़ रहा है, खा लेते हैं फटाफट करके। तो भाई गढ़बेता मंडी के अंदर सुबह का मंडी तो खत्म हो गया था, लेकिन शाम का मंडी चालू हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बीन्स का जो पैकिंग है वो भाई फिर से चालू हो चुका है। तो ये जितना बीन्स है ये सब जाता है बाहर, हरियाणा पंजाब साइड शायद जाने वाला है, पूरा भरा रहा है यहाँ बोरी में, पैकिंग चल रहा है। तो भाई ये जो माल है ये उड़ीसा साइड की जाने वाला है, और देख सकते हैं एकदम फ्रेश बीन्स है, यहाँ का लोकल बीन्स होता है, जैसे आप देखते होंगे रांची वाला बीन्स, तो एकदम सेम क्वालिटी है, थोड़ा बहुत अंतर तो होता है हर जगह के माल में, तो एकदम ये फ्रेश है। यहाँ से जाएगा गाड़ी वाला उड़ीसा, और उड़ीसा जाएगा तरबूज। ये देखिए, ये देखो पैकिंग चल रहा है, ये आया। पचास किलो आता होगा एक बोरी में, 40 किलो, 50 किलो। तो अभी हम लोग गढ़बेता मंडी से बाहर निकलने जा रहे हैं चाय पीने के लिए, नाश्ता पानी मिलेगा तो करेंगे। यहाँ पे नया गेट भी बनाया जा रहा है, ये गढ़बेता मंडी का गेट रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो जब बन जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। तो हम लोग अभी इधर जाएंगे पेट्रोल पम्प से, इस साइड में राइट साइड में जाएंगे, तो इधर जाने से ये फायदा रहेगा कि गाड़ी भी खड़ा करने का जगह हो जाएगा। भाई इधर जा तो रहे हैं यार, सोच रहे फिल्टर भी साफ करवा ले क्या पोषण? मिस्त्री तो है ये बगल में, करवा लिया जाए ना। तो भाई फिल्टर भी साफ करवाना जरूरी था। और आप लोगों को बता दें, अगर गर्मी के दिन में आप लोग गाड़ी ज़्यादा ड्राइव करते हैं हमारे जैसा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर को साफ करवाने की कोशिश किया करें, मतलब 3 दिन 2 दिन में एक बार साफ करवाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि फिल्टर ज़्यादा गंदा रहेगा तो माइलेज गाड़ी अच्छे से नहीं देगा, गाड़ी अच्छे से भगेगी नहीं। ठंडी के दिन में उतना ज़्यादा धूल होता नहीं, दिक्कत नहीं होता है। बाकी ये व्यू चेक करिए, पूरा धान लगा हुआ है गाइस, यहीं पे पहले फिल्टर साफ करवा लेते हैं गाड़ी का, तो फिल्टर साफ हो जाए, फिल्टर साफ हो जाए, तो साइड लगे नहीं वो,
हाँ बहुत दिन बाद आए हैं, साइड लगा लेते हैं। तो भाई फिल्टर को साफ किए हुए 2 हफ्ता हो गया, उसके पहले सफाई हुआ था, बहुत ज्यादा गंदा हो गया होगा, देखते हैं खोल के कितना गंदा हुआ है। तो फाइनली फिल्टर निकल चुका है, दिखाओ भाई, ये देखो गंदगी भाई, जबरदस्त गंदगी, क्या ही गाड़ी माइलेज देगा यार। साफ कर दीजिए अंकल जी। तो फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा था तो, और हम सोच रहे इसको नया ही लगवा देते हैं, और ख़राब भी हो गया है, 35,000 किलोमीटर चल चुका है। वैसे तो फिल्टर का लाइफ 30 से 32 हज़ार होता है, देख सकते हैं पूरा उखड़ फुकड़ गया, ये सब देखिए पूरा ख़राब हो चुका है। तो हम सोच रहे इसको नया लगा देते हैं, ज़्यादा भी नया निकाल, कितने का देता है यहाँ पे फिल्टर? 560 निकालिए। तो ये नया फिल्टर अपना ये लगवा देंगे, सही रहेगा। चलिए ठीक है, BS6 का है ना? BS6 BR4 में अलग होता है क्या? अरे जवला है यही लगा, नहीं नहीं 4 का अलग होता है कि यही होता है? सब अलग अलग होता है। अच्छा यही हो, चलिए अलग होता है, लो भाई लगाओ। आपका जो है वही है, 160 रुपये का ये वाला जो फिल्टर है वो हमें मिला है, तो इसको लगाएंगे। देखो फिल्टर सही होना चाहिए, जब आपका गाड़ी का सांस लेने का नली सही नहीं रहेगा तो गाड़ी आपका खुल के भगेगा नहीं। तो इसीलिए भाई हमेशा कोशिश किया करो कि नया फिल्टर विल्टर लगा दिया करो टाइम टू टाइम, ताकि गाड़ी खुल के अच्छे से चल पाए। प्रेशर नहीं निकल रहा है आपका अंकल, थोड़ा तेज मारिए, निकालिए गंदगी बहुत है इसमें से, और थोड़ा निकालिए इसमें से। यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए, बालो से होगा की नाम तुम्हारा? रोबी चालक भाई, हमारे वीडियो देखे भैया, और हमेशा वीडियो वॉच करते हैं, बता रहे हैं 10 लाख तक का जमीन किने चाहिए। हाँ तो 10 लाख वाला जमीन वाला भी जो वीडियो है वो भी देखे हैं, लगातार जाने के लिए मछली खा के गया है। हाँ भैया चलिए ठीक है, अपने भैया कहाँ? हमारा भाई अब तो नारियल का दुकान पे है ना, उसका डाब का दुकान खुलवाया, वो चलाता है, हाँ घर पे ही रहता है वो। ठीक है भाई नया ये फिल्टर लग चुका है यहाँ पे साफ होने के बाद में, चलो भाई लगा दो, कस दो अच्छे से। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? लखीसराय के लोग, चलो आराम से निकलो, दो दो ड्राइवर हो। लखीसराय मेरा घर जा रहा है, देख मेरा घर जा रहा है। अच्छा आपका लखीसराय घर है? हाँ। ये देखो बिहार के हैं चाचा जी, और यहाँ पे गढ़बत्ता में इनका दुकान है, आइएगा कभी भी इनका काम करवाइए आराम से, हवा का दुकान है, मतलब पंचर बनाते हैं। कब बजे पहुँचाओगे पूछ रहे हैं? 1 बजे रात को, 1 बजे लखीसराय, चलो 2 बज जाएगा। अरे मंडी रॉकेट है, रॉकेट गाड़ी देना पड़ता है, सब्जी लोड है इसमें। तो मिल गया हमारे एक सब्सक्राइबर भाई, अभी आलू में गाड़ी चला रहे हैं, क्या हाल है भाई? बढ़िया है, बढ़िया हाल है। अभी ऊपर ही भाई लोग आए, करो भाई भी है, कोई बात नहीं, इधर भी है, इधर भी सबको ही है। तो चलिए भाई निकलते हैं, ठीक है? चलिए भाई, आप लोग का प्यार है ऐसे ही। यस, हम भी जाएंगे 8-10 दिन बाद बिहार जाएंगे। अच्छा फिर मुलाकात हो, ठीक है भाई, ठीक है चलिए। तो भाई अपना खाना पीना हो चुका है, अभी रात का बज रहा है 9, तो अभी हम लोग जा रहे थे सोने के लिए। यहाँ पे भाई बनारस का यूपी का गाड़ी बहुत ज्यादा है, जैसे चंदौली का हो गया, चंदौली का उसके आगे का भी गाड़ी है, इलाहाबाद का भी 1-2 गाड़ियाँ है। तो हम लोग का यहाँ पे बिस्तर भी लगना चालू हो चुका है, देख सकते हैं। और भाई अपने जो ड्राइवर लोग हैं कैसे सोते हैं देखो, यहाँ पे एक भैया यहाँ पे सोए हुए हैं मस्त अपना बिछा बिछा के। हम लोग बस मच्छरदानी है, लेकिन जितने भी ड्राइवर है भाई मच्छरदानी जरूर खरीदना आप लोग, भाई मच्छरदानी खरीद के आराम से बिछा के सोइए। हम लोग भी हैं, देखिए भभुआ जिला से हैं, भभुआ जिला से हैं, भैया जिला से रामपुर जिला है, और मस्त यहाँ पे एक भाई ऊपर सो रहे हैं, और आप लोग यही सोएंगे ना? हाँ भाई गाड़ी चलाए हैं तो हम लोग यही सोएंगे। नहीं आराम से सोइए एकदम फैल के मस्त, क्योंकि दिन भर हम लोग के घर द्वार गाड़ी ही है, क्या करेंगे। हाँ नहीं नहीं सही है भैया। तो बहुत सारे गाड़ी वाले हैं जो कि इसी तरीके सो रहे हैं, कोई आगे सोता है, कोई केबिन में सोता है, लेकिन क्या है ना केबिन में सोने में यार नींद पूरा नहीं हो पाता है, तो हम लोग भी पीछे ही सोने वाले हैं। तो पिसन पोसना भी पीछे लगा रहा है एकदम बिस्तर मस्त अपना, ऐसे लगा देगा। कैसे लगाओगे? सीट के पास मोटा रहेगा। हाँ लगा दो, ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम एक नंबर। चलो तो चलिए भाई अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, मिलते हैं मॉर्निंग में। अबे भाई आ गए, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, तुम बढ़िया? हाँ हम तो बढ़िया है। तो अभी कहाँ पे जा रहे हैं? अभी बाड़ी जा रहा है, बाड़ी घर। तो यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे बैटरी नहीं इसका रहता है क्या? कंपनी से ही मिला यहीं पे? नहीं इधर डाला था। अच्छा अलग से लगाए हैं, चलो ठीक है भाई टाटा गुड। तो पोसन अभी मच्छरदानी भी लगा रहा है, मच्छरदानी लग जाएगा तो सही रहेगा क्या पोसन? मच्छर उच्छर रहेगा नहीं, मस्त यहाँ पे फैल के सोएंगे। और भाई दिन में इतना गर्मी हो गया था ना, सो ही नहीं पाए हम लोग। तो आ जाते हैं कमेंट की ओर। तो थार मत लेना भाई, आनंद भाई ने कमेंट किया कि
थार मत लेना, थार की जगह में फैमिली कार सब ले लो, आर्टिका स्कॉर्पियो बोलेरो तो अच्छा होगा। अच्छा भाई देखते हैं यार, अभी तो फिलहाल गाड़ी लेने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बाकी देख सकते हैं आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो थैंक यू मेरे भाई। तो बहुत अच्छा अच्छा आप लोग कॉमेंट आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, आप आज के युवा ड्राइवर के लिए मोटिवेशनल है, ग्रेट वर्क भाई, धन्यवाद मेरे भाई, इतना आपने अच्छा अच्छा कॉमेंट किया। तो बाकी देख सकते हैं ये आप ही लोगों का कॉमेंट है, कौन कौन भाई ने कॉमेंट किया, यहाँ पे सबका नाम भी आ रहा है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आराम से दिखा रहा है भाई, देखिए आप लोग आपका नाम किस में है, क्योंकि आप लोगों ने इतना कमेंट किया, कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन, जो जमीन वाला वीडियो था हमारा बहुत कमेंट किया था उसमें, देखिए ये देखिए इतना अच्छा अच्छा कमेंट आप लोगों ने किया है इसमें, तो थैंक यू सो मच मेरे भाई कमेंट। तो मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट करते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है, और ऐसे ही कॉमेंट करके हिम्मत को बढ़ाइए। और एक चीज़ कहना चाहेंगे भाई, कुछ दिन में अभी सरप्राइज वीडियो आप लोगों ने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि 5 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया, और 3 से 4 दिन बाद 5 लाख से अभी 5,10,000 भी पार हो चुका है सब्सक्राइबर के मामले में, तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो एक पुण्य का काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है तो कुछ तो बनता है 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के खुशी में। तो मिलते हैं डायरेक्ट बहुत जल्द एक अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।